अप टू 60 to 80% का डिस्काउंट, मतलब समझ रहे हैं, जो सामान 100 रुपये का है वो आपको 80% डिस्काउंट का मतलब 20 रुपये में मिल जाए, या 60% का डिस्काउंट का मतलब सिर्फ 40 रुपये में। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है ना, और ये रियलिटी है। और कब ये डिस्काउंट मिलता है? हर साल ब्लैक फ्राइडे के दिन। अब आप कहेंगे ये ब्लैक फ्राइडे होता क्या है? एक्चुअली में अपने देश का धनतेरस, या समझ सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे जो कंपनियां हैं वो कभी बिग बिलियन डे के नाम पर या किसी और ऑफर के नाम पे साल में एक बार निकालती है, और ऐसे में हम सभी लोगों कस्टमर के दिमाग में बैठा रहता है कि उस दिन जो है ना हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ऐसे ही ब्लैक फ्राइडे के दिन जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, और ये चीज़ यूएस में पहले बहुत ज़्यादा चलन में था। अब यूएस के साथ साथ हर ऐसे कंट्री में जहाँ डिजिटली लोग ग्रो कर चुके हैं वहाँ ऐसा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब रही बात अपने इंडिया की बात, और पहले समझते हैं कि ब्लैक फ्राइडे मनाया कब जाता है और इस साल ब्लैक फ्राइडे किस डेट को मनाया जाएगा। ब्लैक फ्राइडे हर साल नवंबर के चौथे थर्सडे के अगले दिन, जो फ्राइडे होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार कब है? इस बार 26 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे मनाया जाएगा। और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, किस चीज़ पे डिस्काउंट मिलने वाला है? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप ब्लॉगिंग के बारे में अगर करियर बनाते हैं तो बराबर मेरे वीडियो को देखते हैं, सीखते होंगे। आप ब्लॉगिंग की जर्नी में आपको एक बात समझ में आ चुका होगा कि अगर अपने करियर को ऊंचे लेवल पे ले जाना है तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ेगी एक डोमेन और एक वेब होस्टिंग की, राइट? और डोमेन और वेब होस्टिंग के लिए जाते हैं, एक तो ऐसा ही सस्ता पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर आपको अप टू 60% का डिस्काउंट मिल जाए बात ही अलग है। अप टू 60% का डिस्काउंट मिल जाए तो गजब का डिस्काउंट हो जाएगा ना, और ये डिस्काउंट ब्लैक फ्राइडे के दिन रिसेलर क्लब दे रही है। अब आप सोचेंगे कि ये रिसेलर क्लब कहाँ से आ गया? रिसेलर क्लब अपने इंडिया में एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग के फील्ड में बहुत सालों से काम कर रही है। मैं उस समय से जानता हूँ, जिस समय मैं कॉलेज में था, जिस समय मैं शुरू किया था ब्लॉगिंग जर्नी, उस समय से मेरा एक ड्रीम था कि यार रिसेलर क्लब पे जो इतने लोग आए हैं तो ये कैसे काम कर रहे हैं, राइट? और अब जाके पता चला कि इसके पीछे जो कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है और जिसका नाम इंडोरेंस इंटरनेशनल है, मतलब कि फुल्ली ट्रस्टेड ब्रांड है। अब यही कंपनी आपको अगर ब्लॉगिंग के दुनिया में आप जो है होस्टिंग लेना चाहते हैं तो जैसे कि क्लाउड होस्टिंग पर आपको 60% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। बाकी जितने भी टाइप का होस्टिंग है, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे वीपीएस हो, सब पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है। मतलब ये है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर बाद में भी अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो अभी अगर परचेज कर लेते हैं तब भी आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं होने की बात है। देखिए, इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोडैडी पर बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा वर्डप्रेस या ब्लॉगर या ब्लॉग है उसका जो है यूजर क्रेडेंशियल सिक्योरिटी रिस्क जो होता है और लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड सब चोरी हो गया था। ऐसे में आपको जब जाना है तो ट्रस्टेड ब्रांड के साथ ही जाना चाहिए। और रिसेलर क्लब के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडोरेंस इंटरनेशनल के साथ है, तो ऐसे में आपको इतना ही पता हो जाना चाहिए कि इंडिया में जो बड़े बड़े डोमेन रजिस्ट्रार और वेब होस्टिंग है सब जो है इंडोरेंस इंटरनेशनल का ही सब्सिडियरी है। अब बात करते हैं कि अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं तो आपके लिए कौन सा जो है ऑप्शन बेहतर रहेगा, और अगर आप एग्जिस्टिंग ब्लॉगर हैं तो इस ऑफर का फायदा उठा करके क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, सो समझते हैं। अगर न्यू ब्लॉगर हैं तो ऑनेस्टली मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है शेयर्ड होस्टिंग के लिए जाए, वहां पर जो डिस्काउंट मिल रहा है ले, और इसके बाद शेयर्ड होस्टिंग पर अपना ब्लॉग सेटअप करें। जो लोग ऑलरेडी ब्लॉग शुरू कर चुके हैं अगर उनको दिक्कत हो रही है तो ऐसे में मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग जो होता है उसको चुने, और जो लोग जो है ऑलरेडी ब्लॉगिंग के दुनिया में इंटर कर चुके हैं, जिनको स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सीख गए हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो जो है क्लाउड होस्टिंग की तरफ मूव करें। थोड़ा कॉस्टली जरूर हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट ऑफर के कारण आपको जो है जनरल जो शेयर्ड होस्टिंग होता है उससे भी सस्ता आपको मिल जाएगा। तो मेरे समझ से तो यही है कि आपको जो है इस फील्ड में आना चाहिए, कैरियर बनाना चाहिए, सीखना चाहिए, और आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बिना इन्वेस्टमेंट का ना कुछ नहीं होता है, और जब तक आप जो है नदी में तैरेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं, तब तक तैरना नहीं सीखेंगे। इसलिए प्रैक्टिकली अगर आपको खुद से एक्सपीरियंस करना है,
सिर्फ सुनकर या किसी चीज को देखकर नहीं बल्कि खुद से एक्सपीरियंस करना है तो आपको अपना खुद का पहले ब्लॉग सेटअप करना चाहिए और ऐसे में ये डिस्काउंट ऑफर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। रही बात अदर इंफॉर्मेशन की जो ब्लॉगिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेटअप के लिए दिक्कतें हो रही है, तो आपको ये भी मैं कहना चाहूंगा जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप अगर होस्टिंग लेते हैं तो वो सब आज के डेट में अपना जो है टेक्निकल सपोर्ट तैयार करके रख चुका है और रीसेलर का ना टेक्निकल सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा आज के डेट में इम्प्रूव कर चुका है, जिससे ये होगा कि अगर आप ब्लॉग को सेटअप करते हैं और वहाँ पे कोई दिक्कतें आती है तो डायरेक्ट जो है आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के डेट में टेक्निकल सपोर्ट बहुत मायने रखता है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आजकल हो रही है। खैर, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्या आप ब्लैक फ्राइडे के बारे में इससे पहले जानते थे वो भी जरूर मेंशन करिएगा, हाँ या ना।